अगर आपका पीएच, ब्लड का पीएच 7.35 से बिलो दिखा रहा हो या फिर बाइकार्बोनेट जो हो वो उसकी जो अमाउंट है वो लेस देन 22 दिखा रहा हो, तो ट्रीटमेंट क्या है, जितने भी कॉजेज हैं उनको ट्रीट करना है आपने। और हमने एबीजीज जो है मतलब आर्टेरियल ब्लड ग्रेसेस और इनपुट और आउटपुट चेक करना है, वीएस चेक करना है और एलओसी चेक करना है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बंदा ये वीएस वाइटल साइंस है हमारे पास के वाइटल साइंस हमने चेक करने हैं, और एलओसी जो है वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमने चेक करना है कि भाई बंदा कितना कॉन्शियस है, कितना हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को हम चेक करना है। और सोडियम बाइकार्बोनेट के लेवल को हमने चेक करना है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या है कि जब हमारा पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाए 7.45 से, आई कैन कंट्रोल द पीएच, इसमें पीएच को कंट्रोल नहीं कर सकते, देयर इज जस्ट टू मच बेस, हमारे ब्लड में बेस बहुत ज़्यादा आ जाता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एसिड और बेस का जो इक्विलिब्रियम है वो होना ज़रूरी है, एसिड और बेस की अपनी एक मुकर्रर अमाउंट है वो होना ज़रूरी है, तभी एक नॉर्मल जो फेनोमिनन है वो हमारे पास मेंटेन रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता, बेस ज़्यादा हो जाए तो अल्कलोसिस हो जाएगा, और अगर एसिड ज़्यादा हो जाए तो एसिडेसिस हो जाएगा। एंड आई हैव लॉस्ट माई एच पॉजिटिव कंसनट्रेशन, मतलब एसिड को उसने लॉस कर दिया, आई एम अल्कलोटिक। इसके इसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो किडनी सफ़र करते हैं, और फिर उसके जो लीवर वगैरह है वो उसके साथ जो है इसको हेल्प करने के लिए आ रहे होते हैं। अब हमारे पास के सिम्टम्स क्या है, क्यों होता है ये, अगर आप स्टीरॉयड्स को यूज़ करते हैं या नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग करते हैं या किसी को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग वोमिटिंग हो रही है या फिर थायराइड डायुरेटिक या एंटीबायोटिक की क्लास है अगर वो आप यूज़ करते हैं तो उससे भी ये हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कैम्पटीबियन इन्फ्यूजन यूज़ करते हैं और सिट्रेट्स फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर हम इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या ओवरडोज ऑफ बाइकार्बोनेट्स विद सीपीआर के जरिए हम ओवरडोजिंग करते हैं बाइकार्बोनेट्स की, ताकि ये जो बेस ज़्यादा हो गया वो नॉर्मलाइज हो जाए। वेयर डिड ऑल द एच कैल्शियम एंड पोटाशियम गो, ये पोटाशियम कैल्शियम ये कहाँ जाता है ये हम अभी आपको बताएंगे। वार्निंग क्या है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या है, कार्डियक डिसरिथमियाज हो जाती है क्योंकि पोटाशियम का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, सोडियम पोटाशियम का जो जो एक्शन पोटेंशियल है वो जब तक मेंटेन नहीं होगा तो हार्ट के रिदम को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। इसके मेंटेनेंस के लिए जब पोटाशियम डिक्रीज हो जाएगा तो कार्डियक डिसरिथमियाज हो जाएगा, उसका रिदम डिस्टर्ब हो जाएगा, फिजिकल वीकनेस हो जाती है, मसल क्रैम्पिंग हो जाती है, मसल अटकते हैं बार बार, और हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस हो जाती है, आंख के जो रिफ्लेक्सेस है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है, टेटनी हो जाता है हमें, और कन्वर्जन और कन्फ्यूजन होती है। रिस्क फैक्टर्स क्या है, एसिड लॉस ड्यू टू, इसमें ज़्यादा अमाउंट में एसिड लॉस हो जाता है, किस वजह से, वोमिटिंग की वजह से या गैस्ट्रिक सक्शन की वजह से। अब गैस्ट्रिक सक्शन क्या है, जैसे गैस्ट्रिक लिवाज होता है इसी तरह का गैस्ट्रिक सक्शन, इसमें हम गैस्ट्रिक को जो हमारा स्टमक है उसको बिल्कुल एम्प्टी कर देते हैं। लॉस ऑफ पोटाशियम ड्यू टू, पोटाशियम का लॉस किस वजह से होता है, या स्टेरॉइड्स से, स्टेरॉइड्स के यूज़ से, या डायूरेसिस से, इंक्रीज यूरिनेशन से, या फिर एंड एसिड्स से, एंड एसिड्स के ओवर यूज़ से, मतलब आपको एसिडिटी हो गई है, आपने एंटी एसिड यूज़ कर लिया 1, 2, 3, 4 या ज़्यादा यूज़ कर लिया आपने, तो वो एंड एसिड क्या होगा, अंदर जितना भी एसिड होगा उसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा, उसकी ओवर यूज़ की वजह से जो पोटाशियम है वो लूज़ हो जाएगा और हमारे पास जो है वो अल्कलोसिस काज हो जाएगा। सिम्टम्स क्या है इसके, हाइपोवेंटिलेशन है, कंपनसेटरी है, हाइपोवेंटिलेशन जो है वो सांस आपकी कम हो जाएगी, डिसरिथमियाज हो जाएंगे, डिजीनेस हो जाएगी, पैरेस्थीसिया, नंब लेग्स, टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, हाइपरटोनिक मसल और टेटनी हो जाएगा। लैब में हम इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, हमारे पास जो पीएच है वो 7.45 से ऊपर चला जाएगा, बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो अबाउट 6% चला जाएगा, पिछले में हमने देखा था कि वो बिलो 22 आएगा लेकिन ये अल्कलोसिस में अबाउट 26 पे चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो नॉर्मल या इंक्रीज होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो या नॉर्मल रहेगी या वो इंक्रीज़ हो जाएगी, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा या हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा और हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, पोटाशियम की मिकदार कम हो जाएगी और कैल्शियम की मिकदार भी कम हो जाएगी। ट्रीटमेंट इसमें हम इनपुट और आउटपुट देखते हैं, वाइटल साइंस देखते हैं और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं, पोटाशियम देते हैं हम और ट्रीट जितने भी कॉजेज हैं इसको हम ट्रीट करते हैं। अब हमारे पास एबीजीज आर्टेरियल ब्लड गैसेस की जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे कुछ दी गई, पीएच हमारे पास 7.35 से 7.45 होता है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 35 से 45 mmHg होता है, और कार्बोनिक एसिड का जो हमारे पास 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, बेस एक्सिस हमारे पास -2 से +2 के दरमियान होता है,
और पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास 80-100 mmHg होता है, और ऑक्सीजन की सेचुरेशन, सेचुरेशन क्या है कि हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, इसको हम ऑक्सीजन की सेचुरेशन कहते हैं। 95-98% तक होता है कि हेमोग्लोबिन जो है इतना ऑक्सीजन को वो कैरी कर रहा होता है। इंटरप्रेटिंग हम एवीजीज को किस तरह बताते हैं, सबसे पहले पीएच बताते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करके बताते हैं, इसके अलावा कार्बोनिक एसिड को चेक करते हैं कि इनकी वैल्यूज ये सारी दी हुई है, और इनमें से ये बताते हैं कि भाई प्राइमरी डिसऑर्डर कौन सा है, रिस्पायरेटरी है या मेटाबॉलिक है। अब अगर पीएच लो होगा तो एसिडोसिस होगा, फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड को देखना पड़ेगा और हम ये बता देंगे कि एसिडोसिस हो रहा है, और अगर पीएच आई होगा तो हम बता देंगे कि भाई ये अल्कलोसिस हो रहा है, और फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड को देखना पड़ेगा कि यहाँ ये अल्कलोसिस है। सही है, द वन दैट मैचेस द पीएच, वो जो पीएच से मैच करे, चाहे वो एसिडोसिस से मैच करे अल्कलोसिस से, इज़ द प्राइमरी डिसऑर्डर होगा। वो ये होगा कि अगर अल्कलोसिस से मैच करे तो हम ये बोलेंगे कि भाई प्राइमरी डिसऑर्डर जो है वो अल्कलोसिस है, और अगर वो एसिडोसिस से मैच कर रहा होगा पीएच तो हम बोलेंगे कि भाई ये प्राइमरी डिसऑर्डर जो है वो एसिडोसिस है। नेक्स्ट हमारे पास निमोनिक है, हमारे पास रिस्पायरेटरी है, अपोजिट है, और मेटाबॉलिक और इक्वल, ये हमारे पास निमोनिक कंडीशंस होती हैं इसमें। अब इंटरप्रिटेशन, पीएच 7.3 होता है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 55 होता है, और कार्बोनिक एसिड की 26 वैल्यू होती है। अब ये कुछ एग्जांपल दी हुई है आपको, और आप इसको देख लीजिएगा, इसमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, आपने ये देखना है कि भाई ये एसिडोसिस होगा या अल्कलोसिस का पेशेंट होगा। तमाम 4-5 एग्जांपल दी हुई हैं। फिर कंपनसेशन, द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रीनल सिस्टम कंपनसेट फॉर ईच अदर अटेम्प्ट टू रिटर्न द पीएच टू नॉर्मल। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और रीनल सिस्टम है, ये दोनों कंपनसेट करते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं कि पीएच को किसी भी तरीके से नॉर्मलाइज किया जा सके। आर्टेरियल ब्लड गैसेस शो दैट कंपनसेशन इज प्रेजेंट व्हेन द पीएच रिटर्न्स टू नॉर्मल आर नियर नॉर्मल। और आर्टेरियल ब्लड गैसेस ये शो कर रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं कि भाई कंपनसेशन जो है वो हो गया है, और तब कैसे पता लगता है हमें कि हम पीएच को देखते हैं कि पीएच नॉर्मल की तरफ आ रहा होता है या नॉर्मल के करीब होता है। इफ़ द नॉन प्राइमरी सिस्टम इज इन द नॉर्मल रेंज, जो नॉन प्राइमरी सिस्टम है वो नॉर्मल रेंज में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 35-45 हो जाता है और कार्बोनिक एसिड जो है वो 22-26 थे, देन दैट सिस्टम इज नॉट कंपनसेटिंग फॉर द प्राइमरी। अगर ये वैल्यूज है तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो सिस्टम है ये कंपनसेट करने जा रहा है प्राइमरी की तरफ, मतलब प्राइमरी डिजीज़ की तरफ। फॉर एग्जाम्पल इन रिस्पायरेटरी एसिडोसिस पीएच इज लेस देन 7.35, कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रेटर देन 45, इफ द कार्बोनिक एसिड इज ग्रेटर देन 26, देन द किडनीज आर कंपनसेटिंग बाय रिटेनिंग बाय कार्बोनेट, इफ कार्बोनिक एसिड इज नॉर्मल देन नॉट कंपनसेटिंग। अगर कार्बोनिक एसिड की वैल्यू नॉर्मल है, मतलब ग्रेटर देन 26 है, तो फिर कोई कंपनसेशन की जरूरत नहीं रहती। ये इसकी एक मिसाल दी हुई है, और इसी के साथ ये हमारा आज का टॉपिक जो है वो हमारे पास वाइंड अप हुआ। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इसकी बेहतर एग्जांपल जो है आप अपने क्लिनिकल सेटअप में भी देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो है एसिड बेस इंबैलेंस का टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जो दिन एक नया जो टॉपिक है, हम इंशाल्लाह वो कल शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह नगेबा।